प्यारी दर हम इस छुरी को तेज कर रहे हैं, एक चील किसी पतंग की डोर के साथ अटकी हुई है दरख्त के ऊपर। तो वो देखें कितनी ऊंचाई के ऊपर अटकी हुई है चील, काफी ज्यादा बेचारी बोल रही थी, काफी ज्यादा तकलीफ में होगी। छुरी इसलिए हम तेज कर रहे हैं ताकि पतंग की डोर आराम सुकून से कट सके। तो काफी ऊंची सीढ़ी हमने दरख्त के साथ लगाई हुई है जहाँ पर चील अटकी है, सारा तकरीबन जंगल ही है। तो हमने छुरी को टेप के साथ काफी जोर से डंडे के साथ बांधा हुआ है ताकि चील आराम सुकून से हम आजाद करवा सके। डंडा भी काफी लंबा हमने इस छुरी के पीछे बांधा हुआ है। तो यार ये देखें, इसे बेचारी चील की बात सुनकर काफी ज्यादा चीलें इधर आ गई हैं। बाबा कोड़ी सही है ना? हाँ आए फाड़ के रख, तुसी सीढ़ी नु हाथ रखो। तो यार पहली कोशिश में हम कामयाब नहीं हुए चील को छुड़वाने के लिए, तो सीढ़ी को थोड़ा ऊंचा करते हैं फिर चील को उतारने की कोशिश करते हैं। अभी मैं नीचे उतरने लगा हूँ, फिर दोबारा सीढ़ी को ऊपर चढ़ के चील को उतारेंगे। तो यार ऊंचाई काफी ज्यादा है जिसकी वजह से चील को उतारने के अंदर काफी मुश्किल पेश आ रही है। तो दोबारा मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ तो उतारने की कोशिश करते हैं, बस अल्लाह करे ये नीचे उतर जाए। आ जरा थंब नहीं है का एक थंब को पावते क्या बात। अस्सलाम वालेकुम जोसर भाई, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैर होंगे और ठीक ठाक होंगे। यार अपनी मुर्गियों को खोल दिया, काफी ज्यादा सुकून मिल रहा है कि जो चील दरख्त के साथ अटकी हुई थी हमने उसे छुड़वा दिया। तो अपने पापा को ऑफिस खाना देने के लिए गए थे तो देखा कि चील दरख्त के साथ अटकी है, तो मैंने सोचा कि इसे छुड़वा दें। तो वो जो आपको सामने दरख्त नजर आ रहा है ग्रीन वाला, उल्टे उल्टे हाथ वाली साइड पे, ये बार दरख्त के साथ चील अटकी हुई थी तो हमने छुड़वा दिया। काफ़ी मेहनत के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए चील को छुड़वाने पे। तो मुर्गियों के जो दाना वगैरह डाल दिया है तो मुर्गियाँ दाना वगैरह खा रही हैं। तो जैसे ही चील को हमने छुड़वाया चील उसी टाइम उड़ गई, तो काफ़ी ज़्यादा हमें खुशी हुई कि हमने उसे आज़ाद कर दिया है। अगर ना हम उसे आज़ाद करते तो वो मर सकती थी। तो हमारे टर्की बर्ड के चूजे कल से ऊपर हैं, तो ये हमने इसे गोभी का जो पीछे पत्ते होते हैं ये इन्हें डाले थे, बाकी निकाल के अपनी मुर्गियों को डाल दिए हैं। मुर्गियों ने काफ़ी शौक से खाने हैं। यार समी इन्हें यार रात को नीचे ना ले जाएं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी होनी है बादल। हाँ यार, तो यार बादल काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, आज हम अपने टर्की के चूजों को नीचे ले जाएंगे। मास्टर केज के अंदर बंद कर देंगे, इन्हें खाना वगैरह डाल दिया, खा रहे हैं। तो ये जो चूजों के आगे मैंने गोभी के पत्ते डाले थे, इधर मुर्गियां खा रही काफी शौक से। यार दाना चल तू इन्हें उठा के दाना पिंजरे के अंदर डाल दे, इन्हें पिंजरे के अंदर आराम सुकून से खा लेना। जैसे इन्हें बाहर छोड़े तो दाना बाहर नहीं खाती, पिंजरे के अंदर आराम सुकून से दाना खा लेती है। तो ये जो हमारा बजीत का बच्चा, इसे भी बाहर लेकर आते हैं। समी पिंजरे के अंदर जा, बजीत के बच्चे को बाहर लेकर आ। यार काफ़ी दिनों के बाद आज हम अपने बजीत के बच्चे को बाहर लेकर आएंगे। तो बाकी के जो दो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही बेचारों, दोनों की टांगे साइड को मुड़ी हुई हैं, दोनों की टांगे ख़राब हैं। तो अल्लाह करे वो बस उड़ना शुरू हो जाएं और खुद खाना पीना शुरू हो जाएं। तो यार जल्दी बाहर लेकर आ, पकड़ लिया, काटता नहीं रहा आगे से। तो यार बजीत का बच्चा हमें आगे से काफ़ी ज़्यादा काटता है। तो यार बजीत के बच्चे को हमने बाहर इधर छोड़ दिया, मुर्गियाँ से काफ़ी ज़्यादा तंग आ रही थी जिसकी वजह से हमने मुर्गियों को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। समी ध्यान रखे कोई चील ना आ जाए। यार इसे जैसे ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, हल्का हल्का उड़ने की कोशिश करते हैं।
यार इसके पास ही रहे चीलियां ना जाए, वो देखे चीलियां काफी ज्यादा उधर उधर गई हैं। प्रिया माशा से बाहर आ काफी ज्यादा खुश है, ऐसे इंशाल्लाह हम हैं टेम करने की कोशिश करेंगे। ये देखें आगे से अब कुछ भी नहीं कह रहा यार, इसे पकड़ पिंजरे के अंदर डालें। ये देखें आगे से काट रहा है काफी ज्यादा, चल इसे पिंजरे के अंदर छोड़ दे, इधर से छोड़ दे यार, छोड़ दे कहीं दूसरे बाहर आते हैं, जल्दी कर यार, इसे पिंजरे के अंदर छोड़ दिया। माशाल्लाह से काफी ज्यादा खुश है, हमारे पिंजरे के अंदर दाना वगैरह अब खुद ब खुद खाना शुरू हो गया। तो अपनी मुर्गियों का दोबारा खोल देते हैं ताकि जो बाहर दाना बिखरा हुआ सारा दाना खा लें। तो चलते हैं नीचे मास्टर केज के अंदर, देखने हैं हमारी ज़ेब्रा फिंच ने नेस्टिंग शुरू की है या नहीं। यार अपने टर्की के चिक्स को नीचे लेकर आ गए, ऊपर काफी चेंज हुआ जाने की वजह से इन्हें सर्दी काफी ज्यादा लग गई थी। तो ये बार जो हमारा पेड़ है माशाल्लाह से डब्बों के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि तकरीबन 4 से 5 दिन बाद हमारे मास्टर केज के अंदर अंडे दे देने। तो देखते हैं हमारे मास्टर केज के अंदर सबसे पहले कौन से प्रिंसे अंडे देते हैं, या बजीज देंगे या ज़ेब्रा फिंच देंगे या ये कबूतर है हमारे भी मास्टर केज में। तो यार बहुत जल्द हम अपने सेटअप पर जो डायमंड है वो देख रहे हैं, जिस वजह से हम जानवर वगैरह लेते हैं उस बाइक के पास डायमंड मौजूद नहीं थी, तो हमने फिर डायमंड ली नहीं, तो बाइक का तकरीबन थोड़े दिन तक डायमंड आएगी तो फिर हम डायमंड ले आएंगे। तो ये बात जो हमारे लगे कबूतर है इन्हें मैंने बंद कर दिया, इन्हें बंद इसलिए किया ये वो ऊपर सोने के अंदर जाकर बैठ जाते हैं फिर नीचे नहीं आते, इन्हें पकड़ कर काफ़ी मुश्किल से उतारना पड़ता है। तो ये वाला कबूतर हमारे अभी तक मास्टर के अंदर खुले घूमते हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होगा अपने टर्की बर्ड को ऊपर छत पर ही शिफ्ट कर लेंगे। और जो हमारी ज़ेब्रा फिंच है ये डब्बों के अंदर ऊपर बैठ जाती है लेकिन डब्बों के अंदर अभी नहीं जा रही, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये डब्बों के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। नेस्टिंग भी हम नीचे भी घेरा हुआ है, तो यार आज बहुत ज़्यादा दिन को सुकून मिल रहा है, जो झील दस के साथ अच्छी हुई थी हमने उसे छुड़वा दिया, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, अगर हम ना जाते तो शायद झील वहीं पर मर जाती। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल पर सिटी को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।